ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ गायत्री। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और इस धर्म के पीछे की कई बड़ी मान्यताएं भी है जो कि हजारों साल पहले से ही ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के द्वारा लिखी गई है। और वहीं धर्म शास्त्रों में नारी शक्ति को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है और इन्हीं सब में से नारी शक्ति को कुछ विशेष कार्य जैसे कि बाल धोना, नाखून काटना, इन सभी को लेकर भी कुछ मान्यताएं बनी हुई है। अगर महिलाएं इन नियमों का पालन करती है ना, तो जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है और कई तरीके की मुसीबतों से बचाव भी होता है। सुहागिन महिलाओं को लेकर हिंदू धर्म शास्त्र में कई बड़े नियम बताए गए हैं। इनमें उनके बाल धोने के बारे में कुछ खास बातें भी लिखी गई है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सुहागिन महिलाओं को कुछ खास दिनों में ही सिर धोना चाहिए और कुछ खास दिनों में सिर धोने से बचना भी चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां, इन दोनों को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन अपने सिर के बाल को धोने से बचना चाहिए। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, आपको बता दें, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सप्ताह के कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है ना, तो ये उनके पति और परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादातर ऐसे मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यता, क्यों मंगलवार शनिवार के दिन बाल धोने से मना किया गया है? मित्रों, धर्म शास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं को सिर धोने की मनाई होती है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं के द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर सोमवार की बात करें तो धर्म शास्त्र के अनुसार सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। तो वहीं सोमवार के दिन कुंवारी लड़कियां बाल धो सकती है, उनके लिए छूट है। चलिए बात करते हैं बुधवार के दिन की। तो बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या और पुरुष सभी जो है अपने सिर के बाल धो सकते हैं और ये दिन सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है और साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी भी होती है, व्यापार में वृद्धि भी होती है। ऐसे में चाहे कोई भी सुहागिन हो या कुंवारी लड़की क्यों ना हो, बुधवार के दिन अपने सिर के बाल अवश्य धोइए। चलिए अगली चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है? और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली मात्र 251 रुपए में जानकर संपूर्ण जीवन
जीवन के बारे में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मित्रों गुरुवार के दिन की। तो माना जाता है कि गुरुवार के दिन चाहे महिला हो या पुरुष दोनों को ही बाल धोने से बचना चाहिए। उसके अलावा भूल कर भी मित्रों कोई भी पुरुष या महिला गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटे और अपने बाल भी नहीं कटवाएं। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से उम्र कम होती है और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, धन हानि के योग बनते हैं। अगर कोई महिला जानबूझकर गुरुवार के दिन बाल धोती है ना सिर के, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। घर की परिस्थिति यह रहती है कि कमाते तो 10,000 है लेकिन खर्चा 13-14 हजार रुपए होता रहता है, हर महीने पैसे कम पड़ ही जाते हैं। और ऐसी महिलाएं अपने पति से कुछ झगड़ालू किस्म की भी होती है और हमेशा पति से लड़ाई झगड़ा करती ही रहती है। फिर आता है शुक्रवार फ्राइडे। मित्रों हिंदू धर्म शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्रदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा धन मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहता है, ऐसे में शुक्रवार के दिन स्पेशली मित्रों कोई भी है ना तो आप अपने बाल जरूर धोएं। फिर आता है शनिवार का दिन। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए अशुभ नहीं है। खास तौर पर इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। उसके अलावा अंतिम दिन आता है रविवार का दिन। रविवार के दिन बाल धोने के लिए उपयुक्त होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए और कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए मित्रों थोड़ी सी मनाई बताई गई है। स्नान करने यानी कि बाल धोना हम साधारण सा कार्य समझते हैं, इसलिए लोग किसी भी समय स्नान कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्नान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर की शुद्धि होती है और जब तक शरीर शुद्ध नहीं हो तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जाता। शास्त्रों में स्नान करने को लेकर कुछ नियम और मान्यताएं जो है ना वो बताई गई है। उसके अलावा यह भी बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तीन दिनों में भी अपने बाल को नहीं धोने चाहिए और वहीं किसी भी त्योहार के पर भी बाल धोने से बचना चाहिए। अगर कोई भी त्योहार हो और आपको तैयार होना हो ना तो आपको एक दिन पहले ही अपने बाल धो लेने चाहिए या कटवा लेने चाहिए। बाकी अक्सर कई बार महिलाओं में देखा गया है कि किसी खास विशेष त्योहार के मौके पर महिलाएं सज धज कर तैयार हो जाती है और उसके अलावा पार्लर भी जाती है, बालों को सेट करवाती है, बाल धोती है और कटिंग भी करवा लेती है। तो ऐसी चीजें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर और परिवार दोनों में ही अशांति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं, ऐसे में इस तरह की गलती कभी भी नहीं करें। और स्पेशली मित्रों जो कुंवारी कन्या है ना उनको कभी भी मंगलवार के दिन तो बाल धोने ही नहीं चाहिए। और खासकर जिन लड़कियों के छोटे भाई होते हैं ना उनको मंगलवार के दिन बाल धोने की गलती नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी कुंवारी कन्या अगर मंगलवार के दिन सिर के बाल धोती है ना तो उन कन्याओं के भाइयों को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। और मित्रों अगर आपको जरूरी होना बाल धोना तो आप जिस दिन बाल धोने से मनाई बताई गई है ना उस दिन अगर पानी में नीम के पत्ते डाल दें तो दोस्तों आपको हल्का सा दोष का जो असर है ना वो कम हो जाता है और आप बाल धो सकती है अगर जरूरी होता है तो, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं मित्रों कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में कि अगर जिन दिनों में बाल धोने की मनाई होती है उस दिन अगर आप बाल धोते हैं ना, जैसे कि गुरुवार के दिन बाल धोने की मनाई है और उस दिन अगर बाल धोना जरूरी है ना तो आपको हल्का सा बेसन जो है ना वो थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बाल में लगा ले, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, इसका असर जो है खत्म हो जाता है। और वहीं शनिवार के दिन अगर आपको बाल धोना जरूरी है ना तो शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चे दूध की एक बूंद लगा ले फिर आप बाल धो लें। इस तरह से आप कुछ ऐसे विशेष उपाय कर लेती है ना तो आपको इसका जो नकारात्मक असर होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे मित्रों।